Hi everyone, today I am discuss about equilibrium of a rigid body. Rigid body कब equilibrium condition में होती है? देखिए, हर rigid body is said to be equilibrium. कब कहेंगे rigid body आपकी equilibrium में है? देखो, if both the linear momentum and angular momentum are not changing, linear momentum टर्म एंड एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो उस टाइम हम उस बॉडी को कहेंगे क्या है. अगर ये क्या नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे टाइम के साथ, चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज, यानी कब कहेंगे ए रिजिड बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम और डज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगी. तो इक्विलिब्रियम डज नॉट पजेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या नहीं होगी, डज नॉट पजेस लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सलेशन, ये पजेस नहीं करेंगे, एक्सलेट नहीं होगी. देखिए, अब इसमें कुछ कंडीशन है. दिस मींस नंबर वन है टोटल फोर्स. नंबर वन है टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं. टोटल फोर्स दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, मींस हर पार्टिकल टोटल फोर्स जो होगा आपका कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन. एन पार्टिकल है तो ये कितना होगा Fn, या हम कहते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n Fi, ये क्या होगा, जीरो होगा. कब, जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी. तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट. सो बॉडी मस्ट बी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. तो इस टाइम क्या होगा आपका, लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा. लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो हम बॉडी कैसी मोशन करेंगे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा. तो बॉडी कैसी होगी इस टाइम में, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा. तो इस कंडीशन में जब टोटल फोर्स एक्ट, जितना फोर्स बॉडी पर एक्ट हो रहा है, अगर उसका सम जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो उस टाइम ये बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी. ठीक है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी. दस हम यहां पर क्या लिखते हैं, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो आपका F, देखो F इनको हम क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n F, क्या लिख सकते हैं, I एक्सिस की बात करते हैं, I एक्सिस में जो होगा जीरो होगा, कॉमा समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n F I y एक्सिस में भी क्या होगा आपका, जीरो होगा. एंड समीशन ऑफ क्या होगा, I इक्वल टू 1 टू n F I y मींस F I मींस z एक्सिस में भी फोर्स क्या होगा आपका, जीरो होगा. Fix, Fy, Fiy, Fiz क्या है, xy और z कंपोनेंट में फोर्स है Fi के. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका टोटल टॉर्क. अगर टॉर्क की बात करते हैं, टोटल नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, टोटल टॉर्क की बात करते हैं. The total torque that is vector sum of the all torques acting on the body must be zero. अगर torque zero है, torque tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and so on plus tau n equal to summation of I equal to 1 to n tau I is equal to क्या होगा, zero. अगर किसी body पर total torque क्या है, zero है या vector sum zero है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस टाइम इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n tau i x इज इक्वल टू 0 कॉमा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n tau i y इक्वल टू 0 कॉमा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n tau i z इज इक्वल टू 0. तो इस टाइम एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. ठीक है,
क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है। तो टाउ आई एक्स, टाउ आई वाई, टाई आई जेड क्या है, एक्स और वाई और जेड है कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क है, ठीक है। तो यहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिमेन्स वैलिड फॉर एनी ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन ले सकते हैं, बॉडी में रिमेन्स पार्शियल इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी अगर क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम में है एज वेल, इट मीन्स दैट द बॉडी ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी क्या है रिमेन्स पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, तो वह बॉडी क्या होगी, इसका मतलब क्या होगी, वह बॉडी या तो ओनली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। कब, जब कोई बॉडी पार्शियली इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, या तो ओनली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है या ओनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अगर द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द टॉर्क अलोंग एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन्स ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, किसी कंपोनेंट, सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क इज अलोंग एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, क्या होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कुछ आइडिया हमको पढ़, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कहेंगे द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज जीरो बट नेट फोर्स नॉन जीरो, टॉर्क क्या होगा जीरो होगा, नेट टॉर्क और बट नेट फोर्स क्या होगा डज नॉट जीरो होगा, तो रिजिड बॉडी इज क्या होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एंड्स ऑफ द रॉड, कोई रॉड है आपकी, इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं इसके एंड्स पर, ये भी F है और ये भी F है, ये इसका सेंटर क्या है O है, ठीक है, ये क्या है P और Q है, ठीक है, यानी इसमें क्या है नॉट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होने डज नॉट जीरो होगा, तो हम कहेंगे ये बॉडी क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऑनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो क्या कहें, फोर्स एक्टिंग एट द एंड्स ऑफ द रॉड इन द केस ऑफ द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस विल बी जीरो, इन दो फोर्सों के द्वारा नेट टॉर्क जो क्या होगा प्रोड्यूस करेंगे वो जीरो होगा, बाय टू फोर्सेस विल बी जीरो बट नेट फोर्स नॉन जीरो, नेट फोर्स क्या होगा नॉन जीरो होगा, इट मींस रिजिड बॉडी विल हैव जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका क्या होगा जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो लीनियर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा जीरो होगा, बट की जबकि लीनियर मोमेंटम क्या होगा डज नॉट जीरो होगा, ये तो होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, ठीक है। इसके बाद आती है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो देखो कब होता है, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, एफ नेट क्या है आपका किसी का जीरो है, टॉर्क डज नॉट इक्वल बट टॉर्क डज नॉट इक्वल, टॉर्क जो नेट है वो क्या हो गया नॉन जीरो है, तो रिजिड बॉडी क्या होगी रोटेशनल सॉरी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ऑन, तो उस टाइम रिजिड बॉडी क्या होगी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी। सपोज यही रॉड है हमारी पी क्यू, कोई रॉड है पी क्यू, कोई रॉड है, एक फोर्स ये नीचे को जा रहा है F, ठीक, इसका फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है F, तो इस दौरान नेट फोर्स क्या होगा आपका, ये सेंटर है, नेट फोर्स क्या होगा आपका जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा तो विल प्रोड्यूस या टॉर्क नॉन, इट मींस रिजिड बॉडी हैव विल हैव जीरो लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहां पर क्या होगा P क्या होगा जीरो होगा और L क्या होगा आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली होगी।